सर तो सुबह हो चुकी है और हमारा काम शुरू हो चुका है आप तो बताइए मैं क्या काम करता हूँ फ्रूट बेचने का तो गाइस है सर अभी हम आ चुके हैं फ्रूट बेचने और अंकल क्या हाल है फ्रूट खरीदोगे अरे भैया खरीदने तो हैं पर अरे आज पैसे नहीं है पैसे नहीं है चलो कोई बात नहीं थोड़े फ्रूट दे देता हूं बाद में पैसे देना ओ भैया थैंक यू थैंक यू दस किलो आम दे दो दस किलो केले दे दो और दस किलो एप्पल दे दो अरे अंकल इतने नहीं दूंगा ये थोड़े से हैं ये ले लो पैसे कल दे देना अच्छा ठीक है ठीक है कल दे दूंगा तो भाई सर अभी हमने इनको फ्रूट दे दिया मैं इस कॉलोनी में रोज आता हूँ तो मैं इन सबको जानता हूँ तो मैं इनसे पैसे बाद में भी ले सकता हूँ तो भाई सर अभी हमने इनको फ्रूट दे दिए चलो आगे चलते और अभी तक यार मैंने एक बार भी अभी तक फ्रूट बेचे नहीं है अभी अंकल को फ्री में दिए पर हमें एक बार भी पैसे नहीं मिले तो चलो फड़ा फटाफट फ्रूट बेचते हैं आंटी आंटी फ्रूट लोगे फ्रूट लोगे hey, आंटी किसको बोल रहे मैं फ्रूट नहीं लूंगी निकल जाए ऐसे अरे मेरा मतलब है दीदी फ्रूट लोगे नहीं 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 चाहिए आंटी को आंटी नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा hey. अरे भागो वैसे अरे कैसे 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 लोग यार आंटी को आंटी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हेलो फ्रूट लोगे मुझे फ्रूट चाहिए अरे ये कौन बोला मैं बोली और कौन बोलेगा अरे इनकी आवाज तो बिल्कुल लड़को जैसी है बताओ क्या क्या फ्रूट चाहिए मुझे चार किलो केले चार किलो बटर मेलन दो किलो ऑरेंज एक किलो एप्पल इतना सारा अच्छा ठीक है ठीक है अभी दे देता हूँ ये लो आती हुए पाँच सौ रूपए पाँच सौ रुपए नहीं मेरे पास सिर्फ दो सौ रुपए क्या दो सौ रूपए अरे दो सौ रूपये में ये नहीं आएगा दे रहे तो दो बना निकलो ऐसे अरे रुको रुको फोन आ रहा है दीदी आप सब ले लो दो सौ रुपए कौन क्यों मैं फ्रैंकलिन से बात कर रहा हूँ हाँ हाँ मैं फ्रैंकलिन हूँ क्या तुम ही वो फ्रूट बेचने वाले हाँ हाँ मैं ही हूं, तुम हो कौन मैं हूँ लॉस सेंटोस का प्रेसिडेंट और मुझे तुम्हारे फ्रूट खरीदने जल्दी मेरे पास आओ प्रेसिडेंट कहा मुझे प्रेसिडेंट के घर पे और कहा जल्दी आओ अच्छा टिके माता है मुझे प्रेसिडेंट का फोन आया था उनको हमारे फ्रूट खरीदने जल्दी बैठ पैसे तो ले लो अबे छोड़ा पैसे बाद में ले लूंगा अभी प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पास जाना है तो ने हमें कैसे फोन करा होगा चलो गाय सर पटाओ से लेके चलते हैं प्रेसिडेंट आ रहे हम बहुत सारे फ्रूट बिकेंगे आज तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है तो कह सर अभी हम प्रेसिडेंट के घर पे आ चुके और आप देखो कितनी ज्यादा सिक्योरिटी है और हम चारे प्रेसिडेंट के

क्या सौ किलो बनाना हाँ बच्चे नहीं ला पाओगे क्या अरे ला दूंगा, ला दूंगा मेरे घर में पेड़ लगे हुए बनाना के वहां से तोड़ के ला दूंगा हाँ तो बच्चे मुझे सौ किलो बनाना ला के दो और मैं तुम्हें सौ करोड़ रुपए दूंगा क्या आप बताओ बस कहाँ लाना है और कैसे लाना है मेरी शादी होने वाली है कल तो तुम्हें यार कल के लिए लाने पड़ेंगे मुझे बहुत सारे केले चाहिए सारी की सारी कंट्रीज के प्रेसिडेंट आ रहे हैं उन सबको मैं केले खिलाऊंगा के केले लॉस के स्पेशल केले हाँ अब टेंशन मत लो मैं सौ किलो ला दूंगा कैसे लाऊंगी सौ किलो अभी टेंशन मतली सिंह ने काम कर तू इनसे एड्रेस ले ले और ये पैसे कैसे देने वाले वो पूछ

बनाना तोड़ने वाल तो से बनाना तोड़ना शुरू करते हैं तो सारे पैसे हमारे हवाले कर दो तुम कौन हो तुम यहाँ पे क्या हो बॉडी गार्ड तुम्हारे सारे बॉडी गार्ड को मार दिए सिर्फ दो बचे इनको ही मर देते हैं अरे ये क्या कर रहे हो मत मारो इनको चुपचाप नीचे बैठ जा वरना गोली मार दूंगा जल्दी सारे के सारे लॉस के फंड में से पैसे ट्रांसफर कर वरना तू मरेगा अरे ये क्या चल रहा है ये तो प्रेसिडेंट सर को मार रही अरे कहीं सर क्या करू मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इन्होंने मुझे देखा नहीं एक काम करता हूं फैंकी भैया को फोन करके बता देता हूं यहां पे नहीं है यहां पे तो बहुत सारे गुंडों का अटैक हो चुका है अटैक हो गया चड्डी गैंग वो क्या होता है एनी पे बहुत ही खतरनाक गैंग है उन्होंने प्रेसिडेंट को पकड़ लिए प्रेसिडेंट को पकड़ लिया अरे पर यहाँ पे तो मैंने सारे केले तोड़ लिए एनी पे केले को मारो गोली जल्दी से आप जाओ। हमें प्रेसिडेंट सर को बचाना पड़ेगा अरे रुक जाओ उन चट्टी गैंग वालों को वो तू कंफ्यूज करके रख मैं फटाफट से सा बहुत सारे गन्स भी लेके आना या अरे यार टेंशन मत ले बहुत सारी गन्स लेके आऊंगा प्रेसिडेंट सर आ रहा हूँ मैं आपको बचाने सर प्रेसिडेंट हाउस में चट्टी गैंग का अटैक हो चुका है सिंचेन ने मुझे अभी फोन करके बताया और प्रेसिडेंट सर हमारे खतरे में तो हमको उनको बचाना पड़ा

सिंचन कोई बात नहीं तो कहा अभी हमने यहाँ पे सबको पहुंचा लिया दोस्तों अरे फ्रैंकलिन तुमने हमारी बहुत मदद करी है बहुत बहुत शुक्रिया तुमने हमारी मदद करी इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा चलो मुझे मेरे घर ले चलो वहाँ बैठ के मीटिंग करेंगे हाँ आ जाइए जाइए आज से तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड गार्ड पर्सनल बॉडी प्रेसिडेंट का अब तो मजा आएगा ए बच्ची तेरे पापा ने मेरे सारे दोस्तों को मरवा दिया मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा इस प्रेसिडेंट के बच्ची को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा अरे मुझे बचाओ ए बच्ची ज्यादा चिल्ला मत वरना तू मर जाएगी ए, प्रेसिडेंट की बेटी को छोड़ो प्रेसिडेंट की बेटी को छोड़ो अभी जावे तेरी बेटी है क्या पापा पापा मुझे बचाओ ए चिल्ला मत वरना अभी के अभी गोली मार दूंगा तेरे पापा को आने थे, उनके सामने गोली मारूंगा <laughs> अरे आपके घर क्यों इतनी हमेशा सिक्योरिटी होती क्या अरे नहीं पे तो और कुछ चल रहा है इतनी सारी पुलिस कैसे आई और ये क्या चल रहा है यहाँ पे सर 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 आपकी बेटी को किसी गुंडे ने पकड़ के ऊपर वाले फ्लोर आरोप रख दिया क्या मेरी बेटी को पकड़ लिया क्या आपकी बेटी को पकड़ लिया अरे अरे बोरी और एक चल रहा है एक गुंडी ने आके प्रेसिडेंट की बेटी को पकड़ लिया है अरे फ्रैंकलिन प्लीज प्लीज मेरी बेटी को बचा लो फ्रैंकलिन प्लीज अरे मैं कैसे बचाऊं अरे और क्या करूं इनकी बेटी को कैसे बचाऊं अरे फ्रैंकलिन कुछ तो करो कुछ तो करो देखी कुछ करना पड़ेगा रुको मेरे पास एक आइडिया है ये केला लेते फटाफट सेलेम अरे केले से खेल नहीं रहा हूँ तो अभी फटाफट से मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा आइडिया है इस केले को मैं फेंकने वाला हूँ उस यार गुंडे के ऊपर तो कायर फटाफट से फेंकते

ऑर्डर दो सौ किलो आने वाला है नहीं नहीं फ्रैंकलिन आज से तुम मेरी सारी की सारी कंपनी के मैनेजर 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 मैं मैनेजर अरे हाँ फ्रैंकलिन आज से तुम मैनेजर हो पापा पापा मुझे फ्रैंकलिन से शादी करनी है इससे मुझे गुंडों से बचाया हाँ बेटी तुम इससे शादी भी कर सकती हो क्या मैं 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 मेरी शादी हाँ फ्रैंकलिन तुमने मुझे बचाया मैं तुमसे शादी करूंगी हा हा मैं 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 मै, मै, मैं भी करूंगा मैं भी करूंगा तो चलो आज से फिक्स हो गया तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी होगी चलो अपने दूसरे घर पे चलते हैं क्या दूसरा घर अरे कितने घर है आपके बस अरे ये तो मेरा घर है मैं इस घर में लेके जा रहा हूं जा पे तुम और मेरी बेटी रहोगी आज ये घर तुम्हारा क्या ये घर मेरा अरे सर अभी हम इस घर के अंदर आ चुके हैं ये घर कितना सादा बड़ा है इधर तो बास्केटबॉल कोर्ट दिख चुका है फ्रैंकलिन तुम्हारे घर में तुम्हारा स्वागत है अरे कह सर ये तो बहुत ही खतरनाक है आ जाओ आ जाओ फ्रैकलिन शर्मा तुम्हारे घर है अरे हाँ ठीक है ठीक है तुम कह सर ये एंट्रेंस देख सकते हो स्विमिंग पूल है एंट्रेंस में ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है अरे फ्रैंकलिन टेंशन मत लेना बेटा आज से घर तुम्हारा है मेरी बेटी तुम्हारी पूरे का घर तुम्हारा सारी कंपनीज तुम्हारी अरे गाइस ये क्या चल रहा है ये कोई सपना तो नहीं है ना नहीं। नहीं, नहीं, ये कोई सपना नहीं है नहीं नहीं फ्रैंकलिन ये कोई सपना नहीं है आओ हम बैठ के बात करते हैं तो क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो हाँ हाँ मैं करना चाहता हूँ बेटी क्या तुम फ्रैंकलिन से शादी करना चाहती हो

की बधाई जरूर लिखने कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेन फ्रेंकलिन फॉर मेरे जरूर कमेंट में लिख देना और सारी सारी कंपनीज का भी मैं मैनेजर बन चुका हूं तो अब तो बहुत ही ज्यादा मजाने वाले तब तक के लिए बाय बाय